मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल सही हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सुबह सुबह मैंने इन दोनों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि हुरैन की तबीयत जो थी अभी भी डाउन डाउन थी, क्योंकि रात को ही मैंने उसको दवाई पिलाई थी जो उसको बुखार हो गया था, इसलिए मैंने स्कूल नहीं भेजा। और अभी अभी जो हुरैन का दिन चल रहा था पराठे खाने का, तो मैंने छोले और पराठे मंगवा लिए हैं, तो वो अब बस नाश्ता बना लेती हूँ जल्दी से ना। और अभी हुरैन ने नई फरमाइश कर दी है कि कह रही है हलवा खाऊंगी, हलवा मुझे बनाना पड़ेगा। अब हलवा बना लेते हैं हुरैन का, असली हुरैन का हलवा असली घी में मैंने बना दिया है। और ये बड़ा ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, क्योंकि ये मैंने असली घी में बनाया है हुरैन के लिए। और अब बस को निकाल दूँ, अभी नाश्ता मैंने सारे निकाल लिया है। ये पराठे मंगवाए हैं मैंने अभी, और छोले, हलवा। बस हुरैन का तो दिल खुश हो गया, कितनी खुश हो रही है अपनी चूड़ियाँ देख के। का दिन है, नाबिया जो है तैयार होकर चली गई है मदरसे, और यहाँ पर आमना भी तैयार हो गई है। ये देखें आमना मैडम बिल्कुल तैयार होकर बैठी है, दादा बुला रहे हैं, दादा के पास जा रहे हैं। चलो दादा के पास चलेंगे, दादा आपको आवाज़ लगा रहे हैं। आमना चलें। तो भाई अब सारे काम करके बैठी हूँ, यहाँ की चादर जो है वो धोई है आज, तो बाहर है डली हुई है, गीली हो रही है, बल्कि अभी डालूंगी इसको भी ना। और बहुत सारे कपड़े धोए थे, और मामा सन यहाँ पे खेल रहा है आमना की चूड़ियाँ उठा के लेकर आया मुझे देने के लिए, कि वहाँ पड़ी हुई थी। कितना अच्छा बच्चा, कितना अच्छा बच्चा, कितना अच्छा बच्चा बन गया ये टोटा टा मामा टान इटा टोटा टोटा शाह। और आमना मैडम वहाँ सो रही है, हुरैन की तबीयत ख़राब हो रही है, इसको बुखार हो रहा है बहुत तेज, 3 दिन से इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो आज जाना है इसकी दवाई लेने। अभी हो रहे हैं 6:30 होने वाले हैं, और 7:15 बजे हमें डॉक्टर के पास पहुँचना है। तो बस अब अरनाबिया गई हुई है ट्यूशन, तो बस अब ये देख रही है टीवी, और बस इसके बाद जाएंगे हम दवाई लेने। और हुरैन की डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई थी, हुरैन के पूरे मुंह में छाले हो रहे हैं, दवाइयाँ आ गई हैं सारी। और अचानक से हमारे मेहमान आ गए थे, और ये मेहमान हमारे आए हैं हैदराबाद से, अचानक से आए थे, और 10 बजे आए थे रात को ना, तो मैं तो जल्दी सुला देती हूँ बच्चों को, तो फिर बच्चे उठ गए थे। देखें किस तरह से हसन खेल रहा है इनके साथ, और हसन तो बिल्कुल ऐसा हो गया था पता नहीं कब से जानता हो। तो उसके बाद फिर मेहमानों के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड किया, फिर ये खाना वगैरह खाया था उन्होंने, और उसके बाद देखिए खाना चल रहा है अभी। और यहाँ पर रात के 4:15 हो गए थे, लेकिन इन लोगों का बिल्कुल सोने का दिल नहीं चाह रहा था। और आमना हसन भी सो गए, अनाबी और अन भी सो गई, लेकिन ये लोग ना सोने का इनका दिल ही नहीं चाह रहा था, पता नहीं इतना क्या है इनको ना। मैं बोल रही थी सो जाओ भाई, सो जाओ यार, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही थी, मैं भी जल्दी सो जाती हूँ जैसा कि आप लोगों को पता ही है, लेकिन इन लोगों को नींद ही नहीं आ रही थी। इतनी मुश्किल से मैंने इनको बोला, मैंने एसी भी चला दिया, अब तो सो जाओ। खैर ऐसे तो चल ही रहा था पहले भी। और ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे बच्चे सो चुके हैं, और ये दोनों हैं, इनकी तो आँखों में ज़रा सी नींद नहीं है, तो मैंने इनको बोला भाई सो जाओ। फिर उसके बाद इन्होंने कंबल चंबल उठाया और लेट गई थी सोने के लिए, मैंने बोला चलो यार अब लाइट बंद कर दूँ और ये सो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी देर में देखा तो ये फिर से ऐसे उल्लुओं की तरह बैठी हुई हैं दोनों, इनके मोबाइल और ये बस चुपकी रहती है मोबाइलों में ना, तो ये है आजकल की जनरेशन। और मैंने बोला था सो जाओ, तो मैं किसका वास्ता दूँ मैं फिर ये लोग लेट गई थी फाइनली। और फिर ये तो भाई एक तो सो गई थी, और दूसरी वाली को बस मैंने बोला भाड़ में जाओ, मैं लाइट बंद कर रही हूँ, फिर वो कह रही थी अच्छा देखती हूँ, मैं लेटती हूँ, और बिल्कुल मतलब इनका इरादा नहीं था। उसके बाद इनकी अम्मी आई, मैंने बोला चलो, उसके बाद ये फिर ऐसे उठ गई, मैंने बोला ये ना मुझे सोएंगी ना ये खुद सोएंगी, छोड़ो मैं ही सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग एंड कर दिया। ये है अगली सुबह जो मैं गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कर रही थी, उसके बाद जो है मैं उठ गई थी सुबह सुबह, बल्कि पहले तो वो उठे थे फिर बाद में मैं उठी थी क्योंकि आमना सन। और उसके बाद ये नाश्ता मैंने प्रिपेयर किया था, अंडे बनाए थे, छोले पराठे, और ये ब्रेड थी, सेकी थी मैंने, और ये चाय, ये सब कुछ मैंने निकाल लिया था। नाश्ता होने के बाद मैंने तैयार हो गई है, और अब ये जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलो जाओ जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो, बाय बाय। जी मेहमान जो हमारे घर पर आए थे वो गए हुए हैं घूमने के लिए, और मैंने खाना वाना बना लिया है उनके लिए, अब आएंगे तो खा लेंगे। और बच्चों को मैंने सबको सुला दिया, और रैन के मुँह में बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, और बस उसकी दवाइयाँ पिला रही हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, और उन तीनों को मैंने सुला दिया है। मोहम्मद सन यहाँ पर उठा हुए मेरे साथ साथ, गंदो बच्चा गंदो बच्चा गंदो बच्चा गंदो बच्चा गंदो बच्चा गंदो बच्चा। लोग अभी सेंड करते हैं, और मेहमान जो हैं अभी गए हुए हैं, टाइम हो रहा है 10:15, और अब जब वो आएंगे तो देखेंगे क्या करना है। बस ब्लॉग ऐसे ऐड कर देती हूँ, क्योंकि रात को बहुत देर में सोई थी ना, तो मुझे अभी नींद आ रही है थोड़ी सी,
तो अब जो होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मोमशन बाय बाय, मोमशन बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय अशान। और देखिए माशाल्लाह से मेरा बेटा खड़ा होने लग गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोमशन छोटा 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 मोमशन। बाय बाय दादा, गुड बाय।